दिल्ली के बरार स्क्वायर पर जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया, जहां विभिन्न सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सल्यूट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल वीके सिंह जनरल रावत को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, कर्नल राज्यवर्धन राठौर, विभिन्न देशों ने भी अपने सैन्य प्रमुखों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भी अपने प्रतिनिधियों को यहाँ इस अंतिम संस्कार के समारोह में शिरकत करने भेजा। तिरंगे में लिपटे ताबूत में जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत को 21 तोपों की सलामी दी गई। जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित करने से पहले उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। आर्मी के प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया और उससे पहले कुनूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत ब्रिगेडियर एलएस लिटर का भी आज राजधानी नई दिल्ली में बरार स्क्वायर के शमशान घाट में ही पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों समेत तमाम गणमान्य लोग ब्रिगेडियर लिटर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना, जिसने उन्हें मुखाग्नि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असमानता को मानवाधिकार हनन की सबसे बड़ी वजह बताते हुए कहा है कि संसाधनहीन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आज उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन और पलायन को भी मानवाधिकारों के लिए बड़ी चुनौती बताया।